चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें आप लोग कक्षा 11वीं की जो आपकी राजनीतिक विज्ञान सेकेंड बुक्स है, पहली बुक्स आप लोगों ने देखा होगा कि राजनीति सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से, उसे हम लोग देख चुके हैं, पूरा कवर कर चुके हैं। दूसरी बुक है आपकी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें भी आपके हम लोग 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। कितने? 9 चैप्टर। लास्ट चैप्टर इस बुक का बचा हुआ है, कौन कौन सा? संविधान क्यों और कैसे, इसे भी देख चुके हैं। भारतीय संविधान में अधिकार को भी देख चुके हैं। चुनाव और प्रतिनिधित्व को भी देख चुके हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसके पर भी हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का राजनीतिक सिद्धांत के बारे में या दर्शन के बारे में। ठीक है, याद रखिए, इससे पहले आपकी जितनी भी क्लासे ली गई हैं, फिर चाहे आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की बुक्स की हो या 11वीं की बुक्स जो भी अभी तक कवर की गई है, उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। और उन सब की वीडियो क्लासेस जो भी आपके लेक्चर हैं, वो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई थी, उसी में डली हुई है। और एक बात और आपसे बता दूं, मुझे लगता है कि ये बात बताना मुझे अब जरूरी भी नहीं है। आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आपके सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है एनसीईआरटी का। अगर आपको फिर भी मालूम नहीं चला है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, ऑप्शनल के अपने पास रखिए आप लोग, और उन्हें 2 से 4 बार आप लोग पढ़ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। वैसे आपके सिविल सर्विस के और फिर चाहे एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करवा चुके हैं। आपके प्ले लिस्ट सूची में जाइए, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा उसमें। संविधान का राजनीतिक दर्शन, इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया है और जाना है कि पिछले 69 वर्षों में इन प्रावधानों में ने कैसे काम किया है। हमने इस बात का भी अध्ययन किया है कि संविधान कैसे बना है, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन ने से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? के इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है? इस तरह के क्वेश्चन आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरा, यह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है, इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं, और क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है, हमारे संविधान के पीछे कौन कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है, और इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या है, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हमें अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे, क्या क्या जानेंगे, संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी आप लोग जान पाएंगे, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है इस पर भी आप लोग जान पाएंगे, इस संविधान की आलोचना क्यों की जाती है इसे भी देखेंगे, इस संविधान की सीमाएं क्या है यानी कि इसमें सीमाएं क्या है उससे भी आप लोग जान पाएंगे। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए और आप लोग एक कल्पना करके देखिए, अगर संविधान ना होता तो आज हमारे देश की क्या स्थिति होती। अभी देखा होगा कि फिर चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत हो, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पर या आपकी सरकार पर भरोसा नहीं हो सकता है कि आपके जो भी मोदी प्रशासन है उस पर भरोसा ना हो जनता का, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। लेकिन आपने देखा हो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आपका जो न्यायालय है और संविधान है, इस पर भरोसा हमेशा रहता है व्यक्ति को। वरना आप देखेंगे हमारे देश में हिंदू मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, जैन, बुद्ध, ईसाई, सिख, आप समझिए इनकी विचारधारा एक तरह से अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बने हुए हैं, एक गुच्छे में, एक तरह से माला में जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं ना कि एक माले माला में एक तरह से सभी गुच्छे जो भी रहते हैं जुड़े रहते हैं, वो धागा क्या है उसे ही तरह आप समझिए हमारे यहाँ संविधान है जो सबको जोड़े हुए है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक भारत एक हो रहता अगर संविधान ना इस तरह का संविधान को लिखा जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के दर्शन का क्या आशय है आखिर,
और याद रखिए, एनसीईआरटी बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। मुझे नहीं लगता है कि आपको पढ़ते समय किसी की जरूरत पड़ेगी और कहीं प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझाने की जरूरत भी पड़े, ठीक है? कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है, और कानून एक बात है तथा मूल और नैतिकता बिल्कुल ही अलग है बात है। इसलिए संविधान की विधि केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या फिर राजनीतिक दर्शन का नजरिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता है, किंतु बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं, और इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध देखने को आपको मिलता है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में भी देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या मतलब है आखिर? इन तीन बातें शामिल है। क्या क्या है? पहली है आपकी संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर काम बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सिद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहां तक और क्यों ठीक है, तथा आगे उनमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माता ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हुआ हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे, भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो। चाहे संविधान निर्माता के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान और अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उनके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान की विधि राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपने शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। और यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है, और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग भी है। इन विभिन्न राजनीतिक हलकों में आप देखेंगे कि विधायिका हो गया, राजनीतिक दल हो गया, मीडिया हो गया, स्कूल तथा विद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है, और इन पर सवाल उठाए जाते हैं, और इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम ना सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या फिर आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है, और इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए, और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। यानी कि पंच आप जानते हैं ना, गांव में आपने देखा होगा पंच जोड़ते हैं अगर कोई समस्या हो, तो यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि देखिए हमारा संविधान में बहस बहस बहुत लंबी तक चली। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा, ये 2 साल 11 महीने
18 दिन का समय लगा। देखिए, इसमें संविधान भले ही आपका बनाया गया हो, लेकिन आपके संविधान में आदर्श, एक तरह से आप देखेंगे सीख की बात करें कब से ली गई है, तो आप प्राचीन भारत से सीख इसमें मतलब एक तरह से लिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखिए, तो हमने प्राचीन भारत से जो भी हमारे, फिर आप समझिए चाहे बुद्ध भगवान हुए, फिर चाहे आपने देखा है कि अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, आप देखते हैं ना अशोक, बिंदुसार उसके बाद अशोक आता है, तो आपने अशोक को भी देखा है। उसके बाद आपने देखा है बुद्ध भगवान महावीर स्वामी को भी देखा है, चाणक्य को भी देखा है, तो तब से भी हमारे संविधान में उनकी आदर्शों की भी एक तरह से आपको झलक देखने को मिलती है। तो आप ये भली कह दें कि अभी हम लोगों ने संविधान बनाया है, लेकिन हमने पुरानी सब कुछ गलतियां को भी हम लोगों ने सुधारते हुए देखा है। हम लोगों ने ये भी जाना है कि आगे भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उसके समाधान के लिए हम लोगों ने देखा है कि इसमें कुछ प्रावधान रखने चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने, और याद रखिए भीमराव अंबेडकर साहब हूं या सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं या नेहरू हूं, इन सब की विचारधारा अलग थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि विचारधारा, अगर आप कहें कि गांधी जी एवं नेहरू जी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर आप कहें भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर, या उन्हीं के एक तरह से पूरी सभी बातों को संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है, ये कहना गलत है। आप देखेंगे सबके जो तर्क था, एक तरह से आप कहिए कोई बात आप कह रहे हैं कि इसमें इसे संविधान में रखना चाहिए, तो उस पर तर्क वितर्क होता था, संविधान सभा में एक तरह से बहस होती थी, और एक तरह से उसे ज्यों के तो हम लोग नहीं मान लेते थे। उसमें आप देखेंगे बहस के बाद जो निष्कर्ष निकलता था, जो सभी के हित में होता था, उसी को आप लोग संविधान में रखते थे। ठीक है, यहां आपका कुछ पैराग्राफ है, ऐसे भी आप लोग देखिए। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है, और इसकी प्रस्तावनाओं में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं, और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। और जो आप देखते हैं हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों में, आप देखते हैं कि आप जो भी आपका संविधान है या आपकी झंडे, देश का जो भी आदर्श है, उसके प्रति आपका आदर होना चाहिए। जापान के संविधान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतरराष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित हो और अंतरराष्ट्रीय विवादों के सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से ज्यादा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। और आप जानते हैं कि जापान वही जापान है जो 1945 में इस पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आदर्श वहां से भी एक तरह से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना और नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। अभी भी आप जापान में देखेंगे इस तरह की सेना देखने को नहीं मिलेगी। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं के सोच पर छाई रहती हैं। आप समझिए कि उस समय ये हकीकत थी कि जापान बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि आपने देखा है कि 2 बार परमाणु बम गिराए गए, तो उसने उसी विचारधारा पर एक तरह से उसने अपना संविधान लिखा है, और अनुच्छेद 9 में ये बातें कही हैं। और हमारे संविधान में भी कुछ उनके आदर्श, जो भी हमारे उस समय के आदर्श रहे हैं, उन्हें भी हमारे संविधान में देखने को आपको मिलता है। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। एक तरह से आप समझिए कि अगर प्रावधान न लिखे जाते, उसमें कुछ इस तरह की सत्ता को रोकने के उपाय ना होते हमारे संविधान में, तो राजतंत्र में आज और हमारी सत्ता में क्या फर्क रह जाता। अभी आप देखते हैं कि अगर सत्ता या हमारी जो भी सरकार रहती है वो संविधान के तहत नहीं चल रही होती है, तो राज्यों में आप देखते हैं कि बर्खास्त कर दी जाती है। अगर केंद्र सरकार नहीं चल रही होती तो सुप्रीम कोर्ट के पास लोग चले जाते हैं। समझ गए आप लोग, आधुनिक राज्य अति ही हद तक ताकतवर है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा। भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरोध काम कर सकती हैं। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य को शक्ति अथवा समूह के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में
काम कर रहे सकते हैं। और याद रखिए, राज्य में आप समझिए कि मैंने हमेशा बोला है आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी पद हो, वो पद एक तरह से गलत नहीं होता है। पद तो अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी चेष्टा रखता है, लेकिन आप देखेंगे उस पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही एक तरह से गलत व्यक्ति अगर बैठ जाता है तो उस पद का भी एक तरह से सम्मान गिराता है, प्रतिष्ठा को गिराने लगता है। तो आप ये नहीं कह सकते पद गलत है, क्योंकि पद तो आज राज्यपाल या फिर आप समझिए कि आज प्रधानमंत्री पद वही पद है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय था, या लाल बहादुर शास्त्री के समय था, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय था। लेकिन इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। और संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी है। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना है कि था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से भी बनी संविधान सभा को भी बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे, नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। और भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता और समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। एक बात और आपने देखी होगी, हम लोगों ने बहुत समय तक अंग्रेजों का हमारे पास हमारे ऊपर शासन रहा है, हम उनके एक तरह से गुलाम रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब 1947 में आजादी मिली हमें तो उस समय आपने देखा एक तरफ रशिया था, सोवियत संघ, और एक तरफ अमेरिका, इन दोनों के बीच आपका शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने ना तो अमेरिकी शक्ति में सम्मिलित हुए हम लोग, ना ही रशिया यानी कि रूस में शामिल, उस समय की रूस में हम लोग शामिल हुए। हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष एक तरह से निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया कि हम लोगों ने इनसे दोनों से छुड़ा। क्यों इस तरह की बात की? क्योंकि आप समझिए कि अभी हम लोग दूसरे से आजाद हुए थे, कहीं इनमें हम लोग शामिल हो जाते ये हमारे ऊपर राज करने लगते, या फिर समझिए आप लोग कि हम लोगों ने लंबे समय तक गुलामी झेली है। और संविधान बनाते समय उन लोगों ने, संविधान जो भी निर्माता रहे उन्होंने इस बात का ध्यान भी रखा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई ऐसा भी हमारी सत्ता में भी बैठ जाए, हमारे राज्य या फिर आप केंद्र सरकार सेंट्रल कहीं भी, कि फिर से हमारे ऊपर गुलामी थाप दे। तो इसको ध्यान में रखते हुए संविधान में लिखा गया है, संविधान में आपकी जो भी सरकारें हैं इन पर अंकुश लगाने की बात कही गई है और प्रावधान भी किए गए हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के एक तरह से आपके ये संविधान लिखा गया है और इसमें जो गलतियां हैं उस पर भी आप देखते हैं समय समय पर एक तरह से सुधार भी होता रहता है, नए नए संशोधन होते रहते हैं, आप समझ रहे हैं। इस नजरिए में संविधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल कर रख देने की क्षमता है। इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं और उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामूहिक रूप में हासिल करने की बात ताकत भी देता है। और एक बात और आपको बता दें हाँ, कि आप समझिए कि एक तरह से अगर आप संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं पूरी तरह से लागू हो और सभी लोग इसे इसका एक तरह से माने, अपने कर्तव्यों को माने, अपने मौलिक अधिकारों को भी माने और इनके प्रति जागरूक रहे, तो आप समझिए कि मैंने हमेशा कहा है कि 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और आज आप जो देखते हैं ना लोकतंत्र सूचकांक आते हैं, इंडेक्स आते हैं, उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। हमारी स्थिति लोकतंत्र में कुछ खासी अच्छी नहीं है, कह सकते हैं अपने पड़ोसियों से ठीक है, चाइना पाकिस्तान से ठीक है, लेकिन हम देखिए उन देशों से एक तरह से तुलना नहीं करना चाहिए जो अपने आप में नीचे गिरे हुए हैं। हमें तुलना करनी है तो आप कहिए नॉर्वे से करें, स्वीडन से करें, इन देशों से हमें तुलना करनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर संविधान की सभी प्रावधान अच्छे से लागू होते हैं तो हम इस इंडेक्स में ऊपर से टॉप कर रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे हमें पूरी तरह से अधिकार जो मिले हुए हैं उनका हर कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं एक आपका सूचना का अधिकार है,
उसका को कितने लोग उपयोग करते हैं, कितने लोग उसके प्रति जागरूक है। अभी भी आपने जो संविधान के भाग 3 में आपके जो 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका कितने लोग उपयोग करते हैं। अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि इनका दुरुपयोग किया जाता है, एक तरह से दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाता है अधिकतर मामलों में, और वो ना तो सुप्रीम कोर्ट जा पाता है ना या हाई कोर्ट जा पाता है। मैंने पहले भी बोला है आपसे कि देखिए 1947 में भली कहने के लिए आपको आजादी मिल चुकी थी, अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी आप लोगों को, और उसका बंटवारा, आजादी का बंटवारा एक तरह से सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन किसी ना किसी जगह कड़ी में कोई प्रॉब्लम आई और उसी प्रॉब्लम की वजह से अभी तक पूरी आजादी नहीं मिल पाई है, सभी लोगों में नहीं पहुंच पाई है। अब बात करते हैं संविधान सभा से की ओर मुड़कर क्यों देखें, पीछे क्यों बढ़े और अपने अपने को अब अतीत से क्यों बांध कर रखें। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखे कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा हुआ है, किंतु राजनीति के विद्यार्थियों के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है। अब आप कहते होंगे कि कई लोग कहते होंगे कि वो जो किताब में लिखा है वही पढ़ के मैंने सुना दिया है, तो मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुका हूं कि आप लोग अपने आप से एनसीईआरटी पढ़िए, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है कि जो आपको समझ में ना आ सके, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। जब हम लोग एम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे उस समय समझाने की बात रहेगी तो हम लोग समझ लेंगे उस समय, तो अभी आप लोग अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अमेरिका को का उदाहरण लेते हैं हम लोग, और याद रखिए अमेरिका सबसे पुराना लिखित संविधान है, लेकिन सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करें तो भारत का संविधान है। वहां संविधान की 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया है और उस युग में मूल और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है, यहाँ संविधान निर्माता के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों और आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। वो अध्याय 2 और 7 में दिए गए संविधान सभा की बहस के उद्धरण को एक बार फिर पढ़िए। क्या आप मानते हैं कि इन अंशों में दिए गए तर्क आज के समय में प्रासंगिक है और क्यों है? और आप समझिए कि ऐसा नहीं कि उसी समय की, अगर मैं कहता हूं कि उन्हीं उसी समय की परिस्थिति को अगर ध्यान में रखते हुए अगर संविधान लिखा जाता तो ये हकीकत हो जाती कि भारत आज एक ना रहता, भारत के कई टुकड़े हो जाते। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखा पूरी तरह से नहीं रखा गया है या पूरी तरह से रखा गया है, बीच का रास्ता चुना है। जिस तरह से आप देखते हैं ना बीच का रास्ता चुनते हैं, किसी पर कोई भी बात लिखनी हो आपको, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, फिर आप नेगेटिव पॉइंट बताते हैं, लास्ट में आप अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप कहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव बीच का जो निष्कर्ष निकलता है ना उसी को आपका संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, पूरा निष्कर्ष है सभी बातों का। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो, कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या फिर हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो, भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जब संविधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा बढ़ाए या फिर उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में व्यवहारों और बर्ताव के मूल और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। संभव है कि इस क्रम में हमें और पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े, इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना, उससे टटोलना हमारे लिए जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप समझते, आप लोग खुद पढ़ते होंगे कई बार कि हम लोगों ने 1919 का जो अधिनियम था उससे भी कुछ बातें ली हुई हैं, 1935 का अधिनियम उससे भी बहुत कुछ बातें ली हुई, तो इन्हीं से नहीं ली हुई है,
हम लोगों ने बताया ना कि प्राचीन काल से ही हम लोगों ने कुछ आदर्श कुछ ना कुछ वहां से भी सीख लिए है संविधान बनाते समय। ठीक है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन आखिर क्या है? तो इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इंकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्व सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और तथा एक नए किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। और इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और है, संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। आप समझ सकते हैं कि आज जो एकता की बात कर रहे हैं ना, जो माला की बात करते हैं हम लोग, तो वही धागा है जो आपको बांधे हुए है सभी लोगों को। ठीक है, आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के जो भी हित होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। आपकी जो धर्म है, आप कहते हैं देखिए राज्य धर्म निरपेक्ष है, राज्य किसी के धर्म को ऐसा नहीं कि आपके धर्म को नीचे गिराए और दूसरे सामने वाले के धर्म को ऊपर उठाए। संविधान राज्य की एक तरह से आप कहिए, केंद्र सरकार हो या राज्य, इसके सामने आप दोनों के धर्म बराबर है। आप लोगों ने एक देखा होगा, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री वहां गए, तो कई उच्चतम न्यायालय या कई वकीलों ने, कई सलाहकारों ने कहा है कि प्रधानमंत्री साहब को नहीं जाना चाहिए। तब आपने देखा होगा, और उत्तर प्रदेश के सीएम को नहीं जाना चाहिए था, योगी जी को। तो आपने देखा होगा योगी जी ने या फिर सभी लोगों ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री और योगी जी एक प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां नहीं गए हुए थे, एक व्यक्ति जिनकी भगवान श्री राम में आस्था है उस हिसाब से वो लोग गए हुए थे। समझ रहे हैं? तो हमारी सरकारें कभी धर्म को एक तरह से दुरुपयोग करती रहती हैं, धर्म जाति के नाम पर बांटती रहती हैं। लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूं कि सरकार और प्रशासन में अंतर होता है। समझ रहे हैं कि आप समझिए, कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से प्रेरित है, अगर वो प्रधानमंत्री बनेगा तो आप समझिए वो अपने धर्म को थोड़ा बहुत तो चाहेगा। लेकिन आप कहें भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की नजरों में एक तरह से सभी बराबर हैं। ठीक है, भारत सरकार हमेशा स्थायी है एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन मोदी प्रशासन हो, अटल बिहारी प्रशासन हो, या आप समझिए राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मान लीजिए, अब ऐसा होना ना होना आप लोग सोचते होंगे, तो उनका प्रशासन कहने आने लगेगा। तब समझ गए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इस खेल के मैदान में हर विचार की को दौड़ लगाने की छूट है, लेकिन अंपायर लोकतंत्र है, आप इस तरह से कह सकते हैं। समझिए आप लोग, डेमोक्रेसी है, आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने चलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बीच में आपको संविधान, एक तरह से एम्पायर यानी कि संविधान, अगर कुछ गलत करते हैं आप लोग, मान लीजिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों में आपको बोलने की, वाक की स्वतंत्रता दी गई है बोलने की, अभिव्यक्ति करने की, और आप क्या करने लगे कि आप सामने वाले को गाली देने लगे, तब आप देखते होंगे कि संविधान बीच में आता है, क्या कहता है, आपके प्रतिबंध लगा देता है आपके अधिकारों पर। या मान लीजिए कि आपको धर्म मानने की, अपनी धर्म की प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता मिली हुई है, किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिली हुई, फिर आप उसका दुरुपयोग करने लगे, आप किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तन करवाएं या लालच में किसी को परिवर्तन करवाएं, तब आप देखते होंगे कि उच्चतम न्यायालय और सरकारें इसमें हस्तक्षेप भी करती हैं। और एम्पायर को भी तो आप लोग देखते होंगे, सभी खिलाड़ी आप लोग भागते रहिए, किसी भी दिशा में जाइए, कुछ भी सोचिए, लेकिन आप देखते होंगे जब आउट हो या किसी की बात हो किसी भी एक तरह से निर्णय की, तो एम्पायर ही में लास्ट में उसका निर्णय करता है। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि संविधान है हमारा। अब बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की। संविधान के बारे में गौर करने वाली बात है, पहली बात यही है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी की शुरुआत समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट छाट पर विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी और राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज राज व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। आप समझिए, अंग्रेजों के समय अगर अंग्रेज ना आते तो मैं कहता हूं इस तरह का संविधान ही ना लिखा जाता। और कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ हमसे लिया भी और बहुत कुछ हमें दिया भी है,
आज मुझे लगता है कि भारत की तस्वीर ही अलग होती अगर अंग्रेज ना आते। आज ये संविधान जो लिखा गया है ना, वो संविधान ही अलग होता। एक कहते हैं आप लोगों से कि आप कई जगह देखते होंगे कि आपकी जिंदगी में अगर सफलता नहीं मिल रही है, आप बार बार हार रहे हैं, बार बार आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि आप पूरी तरह से विफल हो चुके। जब तक कि आप कोशिश कर रहे हैं, तब तक आपको हार नहीं मिलेगी या हारा हुआ नहीं माना जाएगा। और मुझे लगता है कि आप जितने बार गिरते हैं उतना ही आपको अनुभव होता है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए एक रोड पर आप लोग जा रहे हैं, कहीं गड्ढा है, आपकी गाड़ी उसमें गिर जाती है, तो आप अगली बार जब उस रोड से जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप वहां गाड़ी को संभाल के चलाएंगे, बड़े आराम से चलाएंगे, तो आपको कुछ सीख मिली हुई है। तो अंग्रेजों के का जो बर्ताव रहा है, चाहे प्रतिबंध लगाने की बात हो व्यक्ति की आजादी पर या आपकी मीडिया पर, या फिर आप समझते होंगे नेताओं को जेल में डालने की बात हो, तो आप समझिए उनसे भी हम लोगों ने सीख ली है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे आर्टिकल 19 में आप देखते हैं मीडिया की स्वतंत्रता की बात करिए, या बोलने की, घूमने की, संगठन बनाने की, आजादी की बात करिए, तो हम लोगों ने इस तरह की आजादी की बात रखी है। ठीक है, इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी की मांग निरंतर उठाते रहे हैं। आश्चर्य नहीं है कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग भी है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप देखते हैं ना कि अगर कोई कहीं हमारी मनमानी गिरफ्तारी की जाती है, तो उसके बारे में हमें जानने का भी अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर किसी निकटतम न्यायालय में उपस्थित कराना होता है जिसने गिरफ्तार किया हुआ है, उसका कारण बताना होता है। लेकिन अंग्रेजों के समय देखते थे आप लोग कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, कोई कारण नहीं होता था, आपको जब मर्जी हुई तब तक जेल में रखा और फिर छोड़ दिया। तो आज हमें इससे भी एक तरह से सीख मिली हुई है उस समय की बातों से, और आज हम लोगों ने संविधान में इन बातों को ख्याल भी रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाही या किसी राज्य सरकार के दबाव में या किसी पावरफुल व्यक्ति के दबाव में उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है, तो उसे जानने का अधिकार तो है कि हम आखिर हमें गिरफ्तार किस लिए किया गया। और 24 घंटे के अंदर आप देखते हैं कि न्यायालय निर्णय भी दे देता है कि सही है या गलत है गिरफ्तारी। आप समझ रहे हैं? और न्यायालय को आप जानते हैं कि निष्पक्ष है एक तरह से। आखिर कुख्यात रोलेट टेट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था, जिसे आप लोग काला कानून भी कह देते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। और इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। या इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर की चर्चा रहती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल माना जाता था कि जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। और एक बात और याद रखिए, आप लोग किसी भी मौलिक अधिकार को उठा के देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पिछले कुछ जो भी समय रहा है उससे हम लोगों ने कुछ सीख ना ली हो। अब धार्मिक अधिकार को आप लोग ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय या राजा महाराजाओं के समय किसी धर्म को आराम से ऊपर उठा दिया जाता था, किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखा दिया जाता था। आपने देखा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। आप देखते हैं कि वो मुस्लिमों में एक तरह से फूट डालते रहते थे और हिंदुओं में भी फूट डालते रहते थे, तो आप समझिए कि एक फूट सरकार ना डाले हमारी। इसीलिए आप देखते हैं संविधान में आपका मौलिक अधिकारों को भी जोड़ा गया है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। फिर आप देखते हैं सामाजिक न्याय की बात भी की गई है। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता है कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। उदारवाद आप सुनते हैं, एक गरम दल के नेताओं के बारे में सुनते हैं, उग्रवादी जिन्हें आप कह देते हैं। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इसमें दो मायनों में अलग है। पहली बात यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी कि आप समझिए कि ये लोग पिछले कई हजार साल से दबे कुचले रहे हैं, आप समझिए, तो इनके उद्धार के लिए, यानी कि उन्हें उस स्थिति से निकालने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये कोई एक तरह से आप कहिए आरक्षण कोई स्थायी प्रावधान नहीं है,
अगर मैं कहता हूं 1947 में एक तरह से जातिवादी पूरी तरह से खत्म कर दी जाती, और जो भी संपत्ति थी देश की हमारी सभी लोगों में आराम से बराबर बराबर बांट दी जाती, तो मुझे लगता है कि आज आप जो आरक्षण की बात करते हैं ना, इसकी जरूरत ही ना पड़ती। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप इतना भी जान लीजिए कि उस समय संपत्ति को सभी में बांटना आसान भी नहीं था। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इसके इनके मताधिकार को वास्तविक कर देने के लिए काफी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय भी किए हैं। इसका उदाहरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण किया गया है। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना भी संभव हो सका है। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा हो या फिर आपका विधानसभा हो, इनमें इनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। अपने अपने राज्य में आपने देखा होगा, लोकसभा के लिए भी आपने देखा होगा, राज्य विधानसभा के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा। और खैर छोड़िए, उस समय तो आप सोचिए कोई सरकारें नहीं होती थी। 1947 के पहले तो इस तरह का कोई न्याय निर्णय देने वाली कोई प्रक्रिया नहीं थी कि उच्चतम न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और न्यायालय हो। आज तो आप देख रहे हैं कि आज न्यायालय होते हुए भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है। कई जगह आप सुनते हैं कि इन्हें घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है शादी में। कई जगह आप देखते हैं, मैंने भी कई जगह देखा है कि जब उस गांव से निकलते हैं तो ये चप्पल या अपने जूता अपने हाथ में ले लेते हैं। काफी हद तक अभी तक समस्याएं खत्म हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी आप गाँव में आप जाएंगे तो इस तरह की आप सोचिए कि इनके साथ बर्ताव किया जाता है। और ये जब बैठते हैं तो आप समझिए कि ये नीचे बैठेंगे और जो बड़े होंगे, जो भी एक तरह से बड़े कहने का मतलब है कि मेरा जात पात को लेकर है, वो अपने आप को बड़े मानते हैं ना, तो उनको देखेंगे आप लोग कि वो ऊपर बैठेंगे और जे लोग ये लोग नीचे बैठेंगे। लेकिन देखिए, मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं। मैं देखिए एक तरह से कर्मों से पर भरोसा करता हूं कि आपके अगर अच्छे कर्म है तो आप किसी भी जाति से आप अच्छे। हमारे लिए जाति से कोई लेना देना नहीं। मैं कुछ सामान्य या पिछड़ा वर्ग में बसा सकता हूं कि जो जाति से मतलब अच्छे धर्मों से आते हैं, अच्छे मतलब जात से आते हैं, लेकिन उनके कर्म इतने बुरे हैं कि आप समझिए कि अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और कई निचली जातियों के लोगों को देखते हैं कि उनके कर्म ऐसे हैं कि उचली ऊंची जातियों से भी ऊंचे उनके कर्म हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरा मानना है कि कर्मों के हिसाब से तरजीह देनी चाहिए व्यक्ति को, ना कि उनके काम या उनकी जात से। अब बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि आप समझिए कि आपकी संख्या वहां कितनी है, 100, और किसी समूह या किसी जाति की संख्या वहां है 10 व्यक्ति है, तो आप उन्हें क्या कह देते हैं? अल्पसंख्यक। अपने आप को कह देते हैं बहुसंख्यक। संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया, अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, ये भी बात आप लोग याद रखिए। विविधता की बात करें तो आप देखते हैं हमारे देश में हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, विभिन्न धार्मिक धर्म मिलेंगे आपको, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, और आप समझिए विभिन्न भाषाएं बोलने वाले मिलेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक कदम रखे पानी बदले और कोस बदले, हर कोस बदले भाषा। आप समझ सकते हैं कितनी भाषाएं हमारे देश में, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और आप देखते हैं हर हजारों समूह में बटे हुए हैं आप लोग, फिर भी हम लोग एक हैं। विविधता भरा हुआ हमारा समाज है, फिर भी हम लोग जुड़े हुए हैं। उसे जोड़ने का काम किसने किया? संविधान ने। आप माला में आप देखते होंगे जो भी, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, गुरिये कह देते हैं या रिंग कह देते हैं, जो भी देखते हैं आपने देखा होगा, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बंधे रहते हैं, उसमें गले रहते हैं, तो एक बने रहते हैं। तो आपने देखा है एक तरह से हमारे लिए संविधान भी वही है कि हम नीचे जाते से हैं, उचली जाति से हैं, पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संविधान बराबर नजरों से देखता है। संविधान का उदारवाद, सामूहिक सामुदायिक जीवन, मूल्यों का पक्षधर है, और भारतीय संविधान समुदाय के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदाय के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता है। समुदाय के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देखते भी हैं। और मुझे एक समझ में नहीं आता है, आज भी आप देखते होंगे कि अपनी जाति को हम लोग हमेशा ऊपर उठाते रहते हैं, सामने व्यक्ति की जाति को नीचे ला दिखाते रहते हैं, या अपनी पर्सनल जिंदगी में वैसे भी आप देखिए कि सामने वाले व्यक्ति को हम हमेशा चाहते हैं कि निचले निचले स्तर पर रहे। लेकिन अशोक ने, आपने देखा होगा अशोक के समय, अशोक ने कहा भी था कि
अशोक मतलब आप समझ रहे हैं, मौर्य शासक की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन भारत की। तो उसने कहा था कि अगर हम किस सामने वाली की जाति को या धर्म को नीचा दिखाते हैं तो असल में हम लोग अपने आप को नीचा दिखा रहे होते हैं। अब समझिए आप लोग, इस तरह से आप लोग समझ सकते थे कि आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, आप भी सम्मान पाएंगे। मान लीजिए आप सामने वाले को दबाते हैं तो कब तक दबाओगे आप लोग? एक दिन वो कभी ना कभी उसके मन में आ गया कि बहुत दबा लिया, अब इनकी सुटाई कर दी जाए। अभी कुछ दिन पहले एक केस मैं पढ़ रहा था कहीं का, ये हकीकत है। आप समझिए वहां वो लोग हमेशा, कुछ जाति के लोग थे और दूसरी जाति के लोगों को हमेशा पीटते रहते थे, उनकी महिलाओं के साथ किसी तरह का बर्ताव करते रहते थे। एक दिन उन सब ने मिलकर इतनी सुटाई की जो वो शोषण करते रहते थे कि दोबारा वो भूल गए उनकी शोषण करना। तो आप समझ सकते हैं किसी पर ज्यादा दबाव डालना अच्छा नहीं होता है। एक हद तक दबाव ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हैं कि उन पर एक हद तक दबाव डालना भी अच्छा होता है। और अगर हमेशा आप लोग दबाव और डालते रहेंगे तो एक दिन वो बम की तरह फूटेगा, ठीक है, उनमें जो गुस्सा भरा रहेगा। दूसरे, जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं, जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते भी हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंद्वता की मौजूदा और स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता ना देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया किया जा सकता है। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता है ना ही वांछनीय होता। इसका कारण यह नहीं है कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं, ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल और रीति रिवाज और भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदारी भी होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। भाषा के आधार पर भी हमारी, हम लोग भाषा बोलते हैं उसी में जुड़ जाते हैं। जिस तरह से समझिए हम लोग की बुंदेलखंडी कोई बोलता है तो इसके प्रति राष्ट्रवाद दिखाने लगे या क्षेत्रीय बात दिखाने लगे कि हम बुंदेलखंडी हैं, हम बुंदेलखंडी भाषा से जुड़े हुए हैं और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, या भोजपुरी से कोई जुड़ जाता है, ठीक है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय भी देखने को मिलेंगे। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व ना जमाए इस बात को सुनिश्चित करना भी जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया था। और ऐसे ही अधिकारों में एक है आपका धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है और इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता है, ठीक है। इस पर समय समय पर एक तरह से निर्णय भी देता रहता है। ये बात कर रहा हूँ आपका 25, 26, 27 आर्टिकल की, ठीक है, 25 से 28 तक जो आर्टिकल आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अब एक शब्द आप लोग काफी सुनते हैं, धर्म निरपेक्षता के बारे में, आखिर इसका मतलब क्या है? माना जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भी शुरुआत में धर्म निरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्म निरपेक्ष रहा है। आप देखते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म निरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। धर्म निरपेक्ष कहने का सीधा सा मतलब मान लीजिए आप लोग कि सरकारें आपके धर्म में कोई हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करेंगी जब तक कि दूसरे के धर्म का आप लोग पालन करते हैं, यानी कि दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। राज्यों का कोई धर्म नहीं होगा एक तरह से, ठीक है, वो आपके लिए सबके लिए एक समान देखेंगे आप सभी को। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल ना दे और ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए।
धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा है, सही है। और जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह बताने लगते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने के विकल्प होना चाहिए। मैंने बताया ना कि आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आप पर जबरदस्ती कुछ थोपने लग जाए तब आप देखते हैं कि राज्य सरकारें उसमें हस्तक्षेप भी करती हैं, कानून भी बनाती हैं उसे रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा? इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसे ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह ना बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा ना पहुंचाए। संक्षेप में कहें रखो, राज्य को चाहिए कि वह ना तो धर्म की मदद करे ना ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक समान जनक दूरी बनाए रखना जरूरी भी है। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप समझिए कि सरकारों को, हमारी जो भी सरकारें हैं, उन्हें बीच का रास्ता चुनना चाहिए। ना तो किसी धर्म को पूरी तरह से उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही पूरी तरह से उसे छोड़ देना चाहिए कि ये कुछ भी करे, उसकी मर्जी जो भी रही करे। मान लीजिए एक ऐसा देना है कि कोई धर्म समूह है उसी की तरह पूरी तरह से झुकाव हो जाए और देश भर में कह दे सरकार की इस तरह के कपड़े पहनना है, इस तरह के आपको पहनावा पहनना है, इस तरह की बातें करना है, इस तरह के नारे देना है, तो आप समझिए कि कुछ दूसरे लोग होंगे, दूसरे धर्म के होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भी कहा गया है कि सरकारों का और धार्मिक संगठनों का मेलजोल किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बढ़ गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च भी है। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता है। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ तो तोड़ना आवश्यक था। माना गया है कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। और हमारे संविधान में आपको देखने को भी मिलता है, अगर आपको गिरफ्तारी की जाती है या बोलने की आजादी छीन जाती है। मौलिक अधिकारों में जो भाग 3 में आपके दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इनमें इन अधिकारों में से किसी का भी आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत आप हाईकोर्ट जाते हैं, तब मुझे लगता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के, तब निर्णय दिया जाता हो। या सरकार भी कुछ अगर उसमें हस्तक्षेप कर रही तो ये नहीं पूछेगी कि आप किस जाति से हैं, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की एक तरह से कला रही है, एक तरह से संविधान की आप कहिए कि मैं लिखा गया है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है, याद रखिए। मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी के समय की, उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। इसीलिए आप लोग कह देते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं उस संविधान संशोधन को। तो उसी समय आपने देखा होगा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। जो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा हूँ वही है उनमें से एक, कि मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार का ना ही कोई पंथ होगा। अगर दो पंथों में अगर टकराव होता है तब सरकार बीच बचाव के लिए जाएगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है। भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास भी किया है। संविधान निर्माता धर्म निरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इसके दो अलग अलग कारण क्या है उन्हें भी हम लोग देखते हैं। एक बात और यहाँ आप लोगों को बता दूं, कई लोग क्या कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो यानी कि उधार का थैला कह दिया जाता है, कि हमने दूसरे देशों के संविधान से लेके उसमें से प्रावधान अपने देश के संविधान में शामिल कर लिए। एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है कि हम लोगों ने वहां से संविधान का जो भी उठाए प्रावधान और ज्यों के त्यों, यानी कि कॉपी पेस्ट, जानते हैं ना आप लोग कि कहीं से आप लोगों ने कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट करके शेयर कर दिया, तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। आप लोग क्या करें, कॉपी कर लें वहां से, फिर मतलब आप लोग उसमें संशोधन करें और फिर अपने संविधान में जोड़ें, ऐसा हम लोगों ने किया है। जो अच्छे प्रावधान थे हम लोगों ने उनमें सुधार करके और अच्छा बना के अपने संविधान में शामिल किया है आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने ज्यों का त्यों नहीं शामिल किया है।
दो अलग अलग कारण क्या है हमारे। एक है धार्मिक समूहों के अधिकार। पहली बात यह है, जैसा कि बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता विभिन्न समुदाय के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। और इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व ना हो, तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपना कोई स्कूल खोल सकते हैं, अपने धर्म के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें अगर सरकार की तरफ से कुछ मान्यता या कुछ सहायता दी जा रही है तब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरह से कहने का सीधा सा मतलब समझिए, आप लोग दुनिया मत आप लोग घूमिए, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, संस्थान उसके लिए बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब लेकिन दूसरे के धर्म में टकराव नहीं होना चाहिए। अगर किसी और दूसरे के धर्म से टकराव होता है तब राज्य या फिर आपकी न्यायपालिका को आना होगा इसके बीच, ठीक है। अगर बात करें राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार, तो दूसरी बात है धर्म और राज्य के अलगाव का भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं, और इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद भी नहीं थी। एक बात आप लोग समझते हैं कि STST के साथ या महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा केरल में सबरीमाला मंदिर के बारे विवाद के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा। मुझे लगता है न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मालूम भी होगा, और मुझे लगता है न्यूज़पेपर आपके लिए जरूरी है। अब आपको क्या लगता है आप समझिए। तो इसमें आप समझिए कि उसमें आपने देखा है राज्य सरकारों ने और आपकी न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया तब जाकर उस भेदभाव को खत्म किया है। इसी तरह आप देखेंगे STSC को जो भी लोगों के साथ भेदभाव होता था उसे भी काफी हद तक खत्म किया गया है, वरना अभी भी आप देखते हैं कई मामलों में उन्हें एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ। अब समझ लीजिए कि आप कह दिया जाए कि धर्म को पूरी तरह से एक तरह से छोड़ दीजिए अपने आप पर, तो कई धर्म तो कहते थे कि STSC को मंदिर में जाने की छूट नहीं है क्योंकि वो निचली जाति से आते हैं, वो अछूत हैं। तब आपने देखा है राज्य ने उसमें बीच में आकर और आपकी जो भी न्यायालय है उनने आकर बीच में एक तरह से वो किया है, न्याय दिलाया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, हस्तक्षेप भी किया है उसमें समय समय पर। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं। राज्य से धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है, मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा मुस्लिम लोग जब हज यात्रा जाते हैं तो हमारी भारत सरकार उनकी मदद भी करती है, आप लोगों ने देखा होगा। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों में से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है और इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे, और यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो आप समझिए, ना तो सरकार को पूरी तरह से छूट दी गई है कि वो किसी की धर्म में हस्तक्षेप करे, ना पूरी तरह से एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया कि आप कुछ भी करते रहिए, मनमानी चलाते रहिए और सरकारें उसमें हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। बीच का रास्ता हम लोगों ने चुना है। हमने अभी तक तीन केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियों भी कहा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार भी किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्ययोजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है और कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्ययोजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था।
तीसरी बात अगर देखें तो विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार, आप देखते हैं 29-30 की बात कर रहा हूँ, इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पीछे से इतनी सीख ली है कि आप समझिए कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि इस तरह की प्रॉब्लम आने वाले समय में भी हो सकती है, इससे और कहीं अधिक प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी ध्यान में रखा है, उनको भी ध्यान में रखते हुए संविधान उन्होंने लिखा है। फिर आप देखते होंगे सार्वभौम मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार, 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं की उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है इसे। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम उपलब्धि नहीं है, खासतौर पर उस स्थिति में जब माना जाता है कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त करवाना लगभग असंभव भी है। आप देखते हैं हम लोग किस तरह से धर्मों से जुड़े हुए हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता है, आप एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप भी करते हैं तो कितना बवाल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। और सार्वभौम मताधिकार का बात कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी धर्म से हैं, जाति से हैं, निचली जाति से, उचली जाति से हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी लिंग से हैं, फिर भी आपका वोट का अधिकार बराबर दिया गया। अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप अपने विधायक को भी सुन सकते हैं, सरपंच को भी सुन सकते हैं, लोकसभा सदस्य को भी आप लोग चुनते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका वोट कमजोर है और सामने वाले का वोट मजबूत है, आपके वोट मतलब बराबर शक्ति है आपके वोट में, ठीक है। आपके ही वोट से प्रधानमंत्री एक तरह से लोकसभा सदस्य को चुन सकता है और आपके ही सामने अगर कोई ताकतवर व्यक्ति है तो उसका भी वोट वही मान्यता रखेगा, ठीक है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ें स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ जब से अधिकार एक तरह से वोट देने का अधिकार हुआ है तब से सभी व्यक्तियों को दिया गया, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से आता हो, ठीक है। लेकिन कई देशों में आप देखेंगे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वहां जो काम करने वाले व्यक्ति थे या निचली जातियों के व्यक्ति कह सकते हैं आप लोग, उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं था। एक बड़ी अवधारणा एक तरह से जब हमारे यहाँ देश आजाद हो रहा था या उससे पहले आप देखेंगे एक बहुत बहुत खबर चर्चा में रहती थी कि जो आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ के जो भी नेता रहे उस समय के, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। आप लोग समझिए स्थिति क्या होती अगर उसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता जो इनकम टैक्स भर रहा होता, तो आज आप देखते हैं गरीब लोगों की जो भी स्थिति है उनकी और बदतर स्थिति होती चली जाती, महिलाओं की स्थिति और बदतर होती चली जाती, आप समझ सकते हैं। आज तो कम से कम 5 साल में एक बार समय आता है कि कम से कम नेता आपके गेट पर आ जाता है और मान लीजिए आपसे उम्मीद ही ना होती उसे कि इसके वोट का कोई महत्व नहीं, तब तो आपकी स्थिति आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या होती। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राजव्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ है। आप देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के बाद की बात कर रहा हूं, आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, उसी के बाद की बात है। इस पहले प्रयास में ही इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक होगा। फिर आप देखते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष हो लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया है जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है अथवा जिसके पिता इस भू सीमा में जन्मे हो या फिर बस गए हो। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया है जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है और अभी भी आप देखते हैं कि आपको वोट देने का अधिकार बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इसे भी देखिए आप लोग, फिर चलते हैं आगे। हम लोग सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता का भरपूर
भरोसा करते हुए इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। ये कहा है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इस 23 नवंबर 1949 की बात है, संविधान सभा के बाद विवाद की बात है उसी समय की। इसमें बहुत सारे लोगों ने, आप समझिए कि अपने अपने विचार रखे, उसमें से जो भी निष्कर्ष रहा, जो भी बातें अच्छी लगी उन्हें शामिल किया गया है। आप समझिए कि आज भी हमने ज्यादा कुछ संविधान में संशोधन हस्तक्षेप नहीं किया है, समय समय पर जो हस्तक्षेप किया है, संशोधन किया है, जोड़े गए हैं प्रावधान। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने हटा दिए गए हैं पूरी तरह से, आधा संविधान ही बदल दिया हो। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा विचार विमर्श हुआ होगा। और जो लोग कहते हैं कि वो, आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोग संविधान नहीं बना सकते हैं, तो उसको लोग, उसके भी हम लोगों ने चुनौती दी है। और एक बात और समझ लिया चाहिए आप लोग, कहने के लिए हमारी पुस्तक भली आप 1949 या 50 में लागू हुई है, लेकिन हमारे संविधान की एक तरह से आपको पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है प्राचीन काल से। कि आपको बताया ना मैंने कि अहिंसा, और आप देखते हैं बुद्ध भगवान देखिए, फिर चाहे महावीर स्वामी को देखिए आप लोग, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, चाणक्य को देख लीजिए आप लोग, तो रणनीति बनाने में कितने माहिर थे चाणक्य साहब। फिर चाहे आप लोग देखिए, सबसे बड़ी छुआछूत की अगर आपको देखना है तो चाणक्य के समय देखिए कि एक सबसे निचले तबके के व्यक्ति को उठाकर, उन्होंने बच्चे को उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया। वो पंडित थे एक तरह से, आप समझ सकते हैं, और उस समय तो कितना जाति पात रहा होगा, लेकिन उन्होंने एक कम से कम जात पात को खत्म करने के या भेदभाव को खत्म करने की ओर एक प्रयास तो किया था। पर अशोक के समय आप देखिए, अशोक के जो भी सिद्धांत रहे उनमें भी आपको संविधान बनने की एक प्रक्रिया शुरू होती दिखाई देगी। भली उन्होंने लिख के नहीं दे दिया कि चलिए ये पुस्तक आप लोग मानिए, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म की एक तरह से आप लोगों को सम्मान करना चाहिए, इस तरह के आप समझिए सब कुछ एक तरह से निर्धारित तो किया। फिर आप चलिए आइए धीरे धीरे, अभी तक सब कुछ आपने देखा होगा, इतिहास आप लोग पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सचमुच यह गर्व की बात है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लगभग बगैर किसी ना नुकर के मान लिया गया है। क्या यह बात सच है कि नहीं है कि बहुत से देशों में मताधिकार के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा है? ये बिल्कुल सही है। संघवाद, पहले भी हम लोग संघवाद के बारे में बात कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असम तौल संघवाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरणों को अपनाया है। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं आर्टिकल 371 को आप लोग सुनते रहते हैं, इसमें पूर्वोत्तर के जो भारत है उनके बारे में कुछ स्पेशल शक्ति दी गई उन्हें, जम्मू कश्मीर को भी दी गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि 370 को 2019 में हटा दिया गया है। तो आप अब आपके जो स्पेशल शक्ति दी हुई थी या स्पेशल आपके ये जो शक्ति थी जम्मू कश्मीर के पास, वो हट चुकी है। अब वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ समझने के लिए आप लोग समझिए, संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा है कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेष अधिकार में महत्वपूर्ण अंतर भी है। अमेरिकी संघवाद की संविधानिक बनावट समतौल है, लेकिन भारतीय संघवाद संविधानिक रूप से असमतौल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल भी रखा गया है कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहे अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। आप समझिए, हम लोगों ने भले ही इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है, विशेष शक्ति दे दी गई है, लेकिन हम लोगों ने यह भी नहीं कहा है कि आप किस, आपके पास ये शक्ति है कि आप भारत से अलग हो सकते हैं। भारत से अलग नहीं हो सकते आप लोग, लेकिन अमेरिका के जो स्टेट है यानी कि राज्य है, वो जब चाहे अमेरिका से निकल सकते हैं, अलग देश बन सकते हैं, ठीक है। मसलन भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यही एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान था। और ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। आप जानते हैं कि नागालैंड बहुत नागा वहां के बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें अलग देश होना है, लेकिन आपने देखा है अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो हमारे संविधान की एक तरह से आप कहिए उन्हें कुछ शक्ति दे दी गई है, लेकिन इतनी भी हम लोगों ने शक्ति नहीं दी कि आप अलग हो जाएं। हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ
हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा भी प्राप्त है। इसी तरह भारत की लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध विधि अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपकी विभिन्न भाषाएं हैं, संस्कृति है, आप अपनी भाषा को मानते हैं, सामने वाला अपनी भाषा को मानता रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान की अगर बात करें, संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करें। ऊपर की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान भाषा या धर्म के आधार पर बनी है, बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया है। संविधान में ऐसे निर्वाचक मंडल की बात नकार दी गई है। पृथक निर्वाचक मंडल की बात को नकारने का कारण यही नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता से बाधा पहुंचती है। आप समझिए एक बात को, अगर आप सोचिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था कर दी जाती तो आप मान लीजिए कि आप किसी एक जाति से आ रहे हैं तो इसमें क्या होता कि आपके ही जाति के वोट आपको वोट कर पाते केवल, और दूसरी जाति के वोट ना कर पाते या दूसरे के धर्म के वोट ना कर पाते, ना डाल पाते। आज आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर कोई आरक्षित सीट भी है तो आप देखते होंगे कि आप सभी लोग वोट डालते हैं, फिर चाहे आप ओबीसी से हों या सामान्य से हों या SP SC या किसी भी परिस्थिति से आते हों, आप लोग किसी भी जाति धर्म से आते हैं, तो आप समझिए कम से कम एकता तो है कि चलिए मान लेते हैं ST का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तब भी आप लोग सभी मिलकर वोट डाल रहे हैं, उसे जिताने का काम कर रहे हैं, तो एकता यहाँ आपकी उभरी हुई है। और आप देखते हैं कि आपसे कभी कहा जाता है तो आप कह देते हैं कि मैं मुस्लिम हूं या मैं हिंदू हूं, तो चलिए ये तो मान लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं भारतीय कहते हैं मैं भारतीय हूं, क्या हूं, भारतीय नागरिकता हमें मिली हुई है, तो चलिए मान लेता हूं आपका भी है, लेकिन अगर वरीयता दी जाती है राष्ट्रीय पहचान को। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रक्रियागत उपलब्धि, ऊपर बताई गई पांच केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। अब बल तो यह भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी ना हो सकी, लेकिन सभा की बहसों से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। यह खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तौल कर परखने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। अब मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि भीमराव अम्बेडकर साहब भले ही आपकी SC जाति से आते थे, अनुसूचित जाति से आते थे, लेकिन आप समझिए कि उन्होंने ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति के बारे में ही केवल सोचा है, उन्हें कह दिया जाता है कि अनुसूचित जाति के एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे इन्होंने महिलाओं के बारे में भी कहा है। इन्होंने जो पिछड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे वो एक तरह से ओबीसी के हों, सामान्य वर्ग के हों, ST SC के हों, किसी भी जाति के, उन लोगों के बारे में भी इन्होंने सोचा। अगर आप सोचिए अगर ये केवल ST ST के बारे में सोचते तो संविधान की का स्वरूप ही अलग होता, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूरी तरह से इन्होंने अपनी जाति को देखा। ठीक है, और याद रखिए अगर ये अपनी जाति को देख रहे या किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति को केवल देखता और उसे संविधान में शामिल कर लिया जाता तो हमारे देश में ये एकता कभी ना होती। आप देखते हैं हमारे देश में विविधता भरी एकता है, कहने का मतलब है कि यहाँ विविध समूह रह रहे हैं, बहुत जातियां हैं, धर्म है, भाषा बोलने वाले हैं, फिर भी हम लोग एक हैं, एकता है हम लोगों में। और आप लोग सोचिए कि अगर एक केवल जाति को वोट देने का और अपने ही चुनाव लड़ने का वो होता तो क्या होता, वहां जो अन्य जाति के लोग रह रहे थे, धर्म के लोग रह रहे थे, उनमें एक तरह से असमानता होती, उनमें रोष होता, उनमें गुस्सा होता, वो भी एक तरह से आप समझिए परिस्थिति क्या बन सकती थी, टकराव होता। लेकिन आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है, भारत में सिर्फ एक समुदाय है। सरदार पटेल साहब ने कहा था संविधान सभा के वाद विवाद में, ये 25 मई 1949 की बात है, उसी समय की बात है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे हमेशा शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए,
हर समझौता बुरा नहीं होता है। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा होता है, लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो, यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है, तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु नहीं, फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अड़िग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए, और यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। यहाँ आप समझ रहे हैं एक बात, बहुमत और सर्व सर्वानुमति का में अंतर है, और अंतर इतना है कि आप समझ जाइएगा कि मान लीजिए 10 सदस्य, ठीक है, इसमें से अगर 6 सदस्य किसी आप समझिए प्रस्ताव के पक्ष में है तो बहुमत मान लिया जाता है कि चलिए साधारण बहुमत से ये पास हो गया, इसे संविधान में स्थायी जगह दे दी जाए या संविधान में शामिल कर लिया जाए। लेकिन हमारे जो भी संविधान निर्माता थे उस समय के जो भी लोग थे या संविधान सभा थी, उसने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने कहा है कि सर्वसम्मति, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी प्रस्ताव आ रहा है तो उस पर सभी की सहमति होनी चाहिए। अब नहीं सहमति है किसी व्यक्ति की तो उसमें सुधार कर लीजिए, उसकी बातों को भी सम्मिलित कर लीजिए, देख लीजिए कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से अपने संविधान को अपनाया, ना कि बहुमत से। और याद रखिए, अगर बहुमत की बात होती तो आज ये जो एकता देख रहे हैं आप लोग, एक कभी ना रहती, क्योंकि जो इसके विपक्ष में होते वो क्या कहते हैं कि हमारी ये बात सुनी ही नहीं गई है और लोगों ने शामिल कर लिया, संविधान बना लिया है, तो सब लोग इस पर एक तरह से सम्मान भी ना करते संविधान का। और आप देखते हैं कि जब घर में आप देखते हो, देश की छोड़िए, चली जाइए संविधान की छोड़िए, आप लोग घर में कोई फैसला लिया जा रहा है उसमें सबकी सहमति ली जा रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी की सहमति नहीं ली जा रही है, उस समय आप देखते होंगे परिवार में एक तरह से फूट डल जाती है और अपने अपने काम आगे भी वो टकराव देखने को मिलता रहता है, ठीक है, उनके आने वाली पीढ़ी में भी टकराव देखने को मिलता रहता है। आलोचना क्यों होती है भारतीय संविधान की? तो भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं भी हैं, इनमें से तीन पर यह संक्षेप में चर्चा की जाएगी। यह संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी, यह संविधान भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, ये एक तरह से इनकी आलोचना कही जाती है। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए, लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमारे संविधान में संशोधन करना ना ज्यादा कठिन है, ज्यादा ना ही ज्यादा सरल है, लेकिन अमेरिका के संविधान देखेंगे आप लोग तो बहुत लंबा समय लगता है एक संविधान संशोधन होने के लिए वहां, ठीक है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संविधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संविधानिक वक्तव्य या तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहां तक भारत का सवाल है तो संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों, कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया लिया गया। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संविधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन आप देखेंगे भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान भी मौजूद हैं, ठीक है। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था, संविधान सभा के अधिकार सदस्य समाज के अंगड़े तबके के थे। क्या इसमें लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी है? और मैं बताऊं आप लोगों को, कई सदस्यों को ऐसे ऐसे भी सदस्य आप देखने मिलेंगे कि एक ही मतलब बड़ी बड़ी जातियों से आते थे, और कई आपको सदस्य ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने गए थे या जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होकर नहीं आए थे लोग। तो आप कह सकते हैं कि इस समय इनके ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी समूह या अपनी जाति या अपने धर्म के हितों को ही केवल ध्यान में रखा है, ये भली ही ना चुने गए हों, भली ही ऊंची जाति से आते हों, लेकिन उन्होंने इन्होंने निचली जाति को भी ध्यान में रखा हुआ है। अब गांधी जी को देख लीजिए आप लोग, जितनी आप समझिए हरिजन और ST SC इन लोगों की जितनी गांधी जी को चिंता थी, उतनी आप ये नहीं कह सकते भीमराव अम्बेडकर साहब को चिंता होगी। और आपने देखा इस पर हमेशा टकराव भी बना रहा है। गांधी जी तुरंत का एक तरह से हाल में समाधान नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि लंबे समय तक इन लोगों को एक तरह से न्याय मिलता रहे।
यहां जरूरी कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फर्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं, दूसरे को राय कह सकते हैं। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, ना कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, ना कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना कहना तो खैर अपने आप में एक अति संयुक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई है, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में कोई बहसों को पढ़े तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बहुत बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकार और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। और एक बात और आपको बताऊं, भली निचले तबके से कम लोग हों लेकिन उनकी भी बात को सुना गया है, उनकी भी राय को माना गया है काफी हद तक। वरना आप कहिए आरक्षण की इस तरह की जो व्यवस्था की बात की जा रही है या इनके साथ भेदभाव समाप्त करने की बात की जा रही है, तो ऊंची जाति के जो लोग होते वो तो इसको कभी ना मानते। तो ये भी ना मत कहिए कि पूरी तरह से आप कहें कि उचली जा ऊंची जाति के जो लोग थे उन्हीं की बातों को माना गया है। ठीक है, सब कुछ ध्यान में रखा गया है, बहुत आप समझिए बैलेंस बना के संविधान बनाया गया है। तभी तो आप देखते हैं कि आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, या फिर सामान्य वर्ग के लोग हैं, या किसी भी धर्म के लोग हैं, आप अपने संविधान पर भरोसा करते हैं। आपको अभी भी आपके संविधान पर सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, समझ रहे हैं? क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर की नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर की प्रतिमा महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। और मैं कहता हूं कि कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी की पार्टी में जा रहे हैं, किसी की शादी है, किसी का किसी भी तरह का त्यौहार है, तो वहां आप लोग संविधान दे दिया करिए उस व्यक्ति को। मुझे लगता है ये बेहतर है, कम से कम वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहेगा और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहेगा। इससे क्या होगा कि आप समझिए देश को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप समझें कि अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारा देश बहुत आगे निकल जाता। तो किसी लड़की की शादी में आप जा रहे हैं तो एक संविधान पकड़ा दीजिए। लेकिन हाँ, मैं भी मानता हूँ कि आजकल के बच्चों को ये संविधान पढ़ना इस तरह की पसंद नहीं रहती है गिफ्ट, या भगवान की आप अगर मूर्ति दे रहे हैं तब भी गिफ्ट पसंद नहीं आती है, उन्हें चाहिए आजकल के वही गुड्डे गुड़िया वाले, जानते हैं आप लोग। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनके पीछे अपनी सोच या विचार बदलना मुश्किल है, अपनी संस्कृति को छोड़ना मुश्किल है। एक अंतिम आलोचना यह भी होती है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है, इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता की सांस्कृतिक भाव बोध से इसका मेल नहीं बैठता है। संविधान सभा भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि संविधान की सांस्कृतिक मूल परक गति मती भारत की, इसलिए जनता उसके आचार विचार की सांस्कृतिक तथा मूल परक गति मती के अनुकूल नहीं है। एक बात और आपको बताऊं कि देखिए यहां भी कहा जा रहा है कि कॉपी पेस्ट की बात की जा रही है, लेकिन आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ज्यों के त्यों हम लोगों ने संविधान में शामिल नहीं कर लिए, फिर आवेदन उठा के हम लोगों ने उसमें सुधार किया, जो हमारी जरूरत के हिसाब से थी उन्हीं को हम लोगों ने एक तरह से इसमें शामिल किया। अब बात करते हैं ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं हमारे संविधान पर ये कितने सच हैं, इनमें सच है कुछ भी किया या फर्जी ऐसे बोला जा रहा है। यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का ना सिर्फ आधुनिक तरीका अपनाया बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपना परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मोहन राय ने इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी कि सन 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी कि उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आप लोगों से कहा जाता है कि आप हर व्यक्ति से शिक्षा ले सकते हैं। अब आप कह दें कि सामने वाले व्यक्ति से आपने किसी शिक्षा ली किसी तरह की, आप कह दें कि उसी से आप लोगों ने पूरा फोटो कॉपी करके पेस्ट कर लिया। मान लीजिए सामने वाला दारू दारू पीता है, नशा करता है,
अगर आप फोटो कॉपी करते हैं तो वो भी चीजें आप में शामिल होती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सामने वाले में कई बुराइयां हैं, लेकिन हम लोग बुराइयों को ना चुनते हुए अच्छाइयों को केवल अपने आप में शामिल करते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने संविधान में भी देखा है कि पश्चिम में भी बहुत कुछ अच्छाइयां थी, उसे भी हम लोगों ने लिया है, देखा है, उस पर विचार विमर्श किया है, आत्मसात किया है और देखा कि ये हमारे लिए अच्छा है, तब हम लोगों ने शामिल किया है और हमारे यहाँ के लोगों ने उसे अपनाया भी है, समझ रहे हैं। उससे हमारे यहाँ के लोगों को लाभ भी मिला हुआ है, न्याय भी मिला हुआ है। दूसरा आप देखें, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को ना तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और ना ही देशी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देशी सांस्कृतिक व्यवस्था के सहयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है और गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। और इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, ना कि नकल का। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि हम लोगों ने नकल नहीं की किसी की। मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, आपके पड़ोस में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसकी ज्यों की त्यों आप लोग नकल कर लें, या फिर आप देखें कि कुछ उसके शब्द देख लें, कुछ अपनी तरह से भाषा जोड़कर लिख दें। तो हम लोगों ने यही भाषा कुछ उसके देख लिए शब्द और भाषा उसमें जोड़कर कुछ अपने प्रावधान जोड़कर लिख दिया है, ठीक है। हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूम में शिक्षित हुए थे, या ठीक वैसा ही संविधान है जैसा कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक ना था। कि हनुमंथिया इन्होंने कहा था 17 नवंबर 1949। अब इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो इन सीमाओं का यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह गए हैं, ऐसी बातें बच जाए जिसका जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हम स्वीकार करना चाहते हैं कि संविधान की कुछ सीमाएं भी हैं। और याद रखिए इन सीमाओं में हमेशा सुधार भी तो होता रहता है, संशोधन भी तो होते रहते हैं। देखिए उस समय के लोगों से भी गलतियां हो सकती थी, वो भी व्यक्ति हैं, वो ही इंसान है, तो सुधार करते रहना चाहिए। अब आप लोग देखते हैं कि मैं कई बार बोल देता हूँ, डेट गलत बोल देता हूँ। पिछली बार कई बार मैंने बोल दिया 73वां 74वां संविधान संशोधन जो पंचायतों और स्थानीय प्रशासन के लिए जोड़ा गया था, किया गया था, उसके बारे में 72 73 बोल देता हूँ तो मुझसे भी गलती हो जाती है। तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, या आप लोग इतना तो मुझे लगता है मालूम कर सकते हैं कि 72 73वां नहीं था, 73 74वां था, और नीचे आप लोग थोड़ा विस्तार से सुधार के लिख सकते हैं। तो ये समय समय पर संविधान में भी हो रहा है, ठीक है, कई संशोधन होते रहते हैं। अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा है, यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाली खंड में क्यों डाल दिया गया। आप देखते हैं कि जो अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, जो उसमें मूल अधिकारों में डाले गए कुछ ऐसे तथ्य हैं या प्रावधान हैं, वो हमारे यहाँ जो आपके नीति निर्देशक तथ्य हैं उनमें डाला गया है। ये भी एक तरह से सीमा कही जा सकती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों में जो तत्व शामिल हैं या जो मौलिक अधिकार आपके सामने हैं उनका हनन होता है या उनकी सुविधा आपको नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक में जो प्रावधान किए गए उनका अगर आपको लाभ नहीं मिलता है, उसके बारे में आपको फायदा नहीं मिलता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। वो सरकारों पर निर्भर रहता है कि वो आप उनका आपको लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। संविधान की सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दें। एक तरह से आप कुछ कहिए कि कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हमारा संविधान गलत है, ठीक है। इस चैप्टर का ये कुछ निष्कर्ष भी दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिए। इस अध्याय में हमने जाना है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज कहने का मतलब वही है कि इसमें हमेशा एक तरह से बदलाव योग्य है। और आप समझिए, मुर्दा समझ लीजिए या जिंदा व्यक्ति को रख लीजिए,
मुर्दे में आप समझते हैं कोई हलचल नहीं होती, कोई बदलाव या परिस्थिति के अनुकूल ढलना उसमें या सुधार होने की बात संभव नहीं होती। लेकिन एक जीवित व्यक्ति में बदलाव होता है, वो समझता रहता है, सुधरता रहता है। ठीक, संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। कानूनी प्रावधान और संस्थागत व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक व्यवस्था पर का अध्ययन किया है उसके मूल में भविष्य के प्रति एक दृष्टि, इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया है। इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपायित हुई है। और बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है, और ये हकीकत भी है। आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ लेंगे तो पूरे संविधान को समझ जाएंगे। जिस दिन आप संविधान की प्रस्तावना को समझ गए, संविधान को समझ जाएंगे। क्या आपने ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना पढ़ा है? इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र भी किया गया, साथ में एक विनम्र दावेदारी भी है। इस संविधान को महान व्यक्तियों की एक समूह ने नहीं प्रदान किया है, इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग द्वारा किया गया है, यानी कि हम सभी लोग शामिल हुए इसमें। इस तरह जनता स्वयं अपनी नीति की नियंता है और लोकतंत्र एक साधन है जिसके सारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना की इस उद्घोष को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं और हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत बेभिन्न है और राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे कि हमारी राजनीति में बहुत सी समस्याएं और कमियां हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनीति या आम नागरिक से पूछे तो पाएंगे कि हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है, यानी कि एक तरह से आपका संविधान पर भरोसा करता है। हम साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम भी है। सन 1950 में संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। एक ये बात याद रखिए, अगर हम संविधान के हिसाब से चलते हमेशा तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। ये तो क्या है कि मतलब ही, या आप कहिए कि अपने लिए जो नेता एक तरह से अपने मतलब के लिए जो काम करते हैं नेता, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम लोग जातियों में लड़ रहे हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से लड़ रहे हैं, एक समूह के लोग दूसरे धर्म के समूह के लोगों से लड़ते रहते हैं समय समय पर। लेकिन हमारा संविधान या हमारा देश या हमारा धर्म कभी इस तरह की लड़ने की बात करता ही नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। तो कुछ नेताओं के बहकावे में हम लोग आ जाते हैं। तो इससे संबंधित आपके कुछ चैप्टर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इस चैप्टर से, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इसे। तो इसके साथ आपकी कक्षा 11वीं की मुझे लगता है ये बुक्स कंप्लीट हो चुकी है, दोनों बुक्स जो भी आपकी राजनीति विज्ञान की थी, राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार। याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से आपके लिए। अगर आप सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर मुझे लगता है आप भारत में रह रहे हैं तब भी मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है। अब बचती आपकी कक्षा 11वीं की, माफ करिए कक्षा 12वीं में भी आपकी राजनीति विज्ञान में दो बुक्स हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले ऐसा कर लेते हैं कि आप लोग ऐसा किया करिए, पहले सभी आप लोग राजनीति विज्ञान की सभी बुक्स कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले कक्षा 6वीं की कवर की हुई है, फिर कक्षा 7वीं की भी कवर की हुई है, इस तरह से मैंने कवर की हुई है। तो आपको जिस तरह से सहूलियत लगती हो, और मेरा मानना है कि आपको सहूलियत इसी तरह से लग सकती है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की कोई एनसीईआरटी बुक उठा रहे हैं, एनसीईआरटी, तो उन्हें पूरा एक बार में खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग बुक्स पढ़िए आप लोग, तो मुझे लगता है कि आपका एक फ्लो बना रहेगा और एक आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। लेकिन मैं दूसरी तरह से कवर कर रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप लोग किसी भी तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कक्षा 11वीं की आपकी जो एक तरह से आपके ये भूगोल को भी देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इतिहास को देखेंगे और अर्थव्यवस्था को भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग 12वीं में चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।